उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षामित भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 28/4/2022 का ऑडियो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि पूर्व में मैं कहा था, कार्यक्रम कार्यालय कोष, क से जब तक आप मिलान करेंगे तो क से कोष भी होगा, क से कार्यालय भी होगा, क से कार्यक्रम भी होगा। ये तीनों संगठन चलाने के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक आवश्यकता है, जिसको हम भलीभांति जानते भी, लेकिन फिर भी आम शिक्षा मित्रों के बीच में मेरा संगठन कभी भी किसी से एक पैसा लेने का कोशिश नहीं किया है, न करेगा। कारण इस बात की है कि 10 रुपये चंदा का सहयोग यदि किया जाए तो जब से सोशल मीडिया आया है, शिक्षा मित्रों में गुणागणित जजमेंट फैसला लेखक लेखनी सबसे सर्वोपरि है। आप लोगों ने देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा, हर शिक्षा मित्र एक अपने आप को लेखक बन गया है, एक अपने आप को जजमेंट कर्ता बन गया है, एक अपने आप को आदर्शवादी पेश करने में फैसला लिखने के लिए आतुर रहता है, जैसा कि ग्रुपों में आता। अभी कल भी एक लेखक लेखनी लिख के भेजे थे, अभी भी आज भी एक आया है ग्रुप में कि संविदा कर्मी हटाए जाएंगे, उसको फॉरवर्ड करने के लिए शिक्षा मित्रों को ग्रुपों में भेजा गया और शिक्षा मित्र ही उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो बहुत चिल्लाता है, जो बहुत कहता भी है, ग्रुप में शेयर भी करता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। जैसा कि पूर्व से ही कहा जा रहा था कि अप्रैल में शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाएगा, चुनाव परिणाम आने के बाद शिक्षा मित्रों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 4 महीने का मानदेय बेसिक शिक्षा परिषद से चयनित शिक्षा मित्रों का मानदेय अगस्त तक सरकार ने प्रेषित कर दिया है, जिलों में चला गया है। यदि सरकार के नियत में खोट रहती तो आपको निकालने में कोई दिक्कत और देरी नहीं करती, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं। शिक्षा मित्रों का बाल बांका नहीं होगा, शिक्षा मित्र अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाएं, शिक्षा मित्र अपने कार्यशैली को बढ़ावा दें, शिक्षा मित्र एक सकुशल व्यक्तियों में गिना जाएगा। लेकिन जब से सोशल मीडिया का जन्म हुआ है, शिक्षा मित्र का ही संगठन नहीं, जितने भी संगठन प्रदेश में देश में चलते होंगे, सोशल मीडिया का जितना बढ़ावा आया है, सारे संगठन कमजोर हुए हैं। और कमजोरी का कारण घर बैठे लोग फैसला लेते हैं, घर बैठे फैसला सुना देते हैं, घर बैठे फैसला लिख देते हैं, जजमेंट भी लिख देते हैं। कुछ मेरे भाई ईपीएफ की दौड़ में तेजी से दौड़ रहा है, उसको जवाब मिल गया था जब माननीय शिक्षा मंत्री जी के बैठक में कहा कि मैं इतने जिलों में इतने मानदेय को होल्ड करा दिया। होल्ड किसका कराए हैं? शिक्षा मित्र का मानदेय होल्ड कराने का प्रयास किए थे, मैं उसको भी तोड़वाया, क्योंकि शासनादेश है जब तक 15,000 रुपये आपका मानदेय नहीं होगा तब तक आपका ईपीएफ लागू नहीं होगा, चाहे कुछ भी लिखवा लो, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, ईपीएफ के लिए शासनादेश बना हुआ है। रही बात कोर्ट की, कुछ कोर्ट का मंजर भी दिखाया जा रहा है, अभी कोर्ट से मन नहीं भरा शिक्षा मित्रों का। लाख कोशिश करोगे, सरकार चाहेगी वही होगा, आप रिटायरमेंट ही तक लड़ लोगे, लेकिन कोर्ट से फैसला शिक्षा मित्रों के हित में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक शासनादेश और संविधान में कुछ ऐसी तैयारियां नहीं होगी तब तक कुछ आपके बीच में फैसला नहीं आएगा। मैं सोचा था कि गोरखपुर से गलत मैसेज गया था शिक्षा मित्रों के संघर्ष काल में और संघर्ष काल में इतना गलत मैसेज चला गया जो प्रदेश में शिक्षा मित्र टूटने लगे और सरकार के मोहरा भी बन गए। उसी का संदेश देने का मैं कार्य किया हूं, जैसा कि कल हम सबके आदर्श अधिकारी श्रीमान पूर्व महानिदेशक स्कूल शिक्षा जिला अधिकारी गोरखपुर से मेरी वार्ता हुई। एक संवाद का कार्यक्रम शिक्षा उन्नयन गोष्ठी के तहत प्रारंभ किया जा रहा है,
हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, इसको चरितार्थ करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद देवी पाटन मंडल में भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है, आपको एक कार्यक्रम कराने की जरूरत क्यों पड़ी मैं बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कुछ लोगों की हरकतों से शिक्षा मित्र जो रेल यूपी पटरी जो जिस पे रेल चलती है उस पटरी से रेल उतर गई है, उस पटरी पर चढ़ाने का मैं प्रयास करना चालू कर दिया हूं जिससे शिक्षा मित्रों का भला हो जाए। यह प्रयास सार्थक होगी, यह प्रयास आपके भविष्य के लिए होगा। जब इसमें भी कोई रोड़ा बनेगा तो आप सोच लो आपके सामने कैसी कैसी मंजर आएंगी। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं, गोरखपुर मंडल के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, गोरखपुर मेरा ताकतवर जिला, गोरखपुर मंडल ताकतवर जिला है, हर शिक्षा मित्र के जेहन में गोरखपुर है, तो गोरखपुर से शुरुआत करने जा रहा हूं। 7 तारीख को शिक्षा उन्नयन गोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन किया हूं जिसमें हम सबके आदर्श अधिकारी इस पर भी कमेंट करेंगे, लोग कमेंट इस बात का करेंगे कि 5 साल में कुछ नहीं हो पाया, 5 साल वो नहीं रहे थे, 3 से 3.5 साल रहे थे, लेकिन शिक्षा मित्रों की कार्यशैली को रग रग भांप लिए थे और रग रग भांप करके शिक्षा मित्रों की भविष्य पे कार्य भी प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन दुर्दिन शिक्षा मित्रों का था, उसके पहले गोरखपुर का जिला अधिकारी बन गए। कुछ अधिकारी शिक्षा मित्रों के विरोध में हुआ करते थे, लेकिन जब बैठ के शिक्षा मित्रों के विषय पर होती थी तो मुझे वर्चुअल मीटिंग में शामिल करते थे, मेरे फोन पे वार्ता करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन कुछ निचले स्तर के अधिकारीगण शिक्षा मित्रों को लाइक नहीं करते थे जिससे वो सफल परिणाम नहीं आ पाता था। उसी का शुरुआत मैंने गोरखपुर से करने का प्रयास किया हूं और उसको सफल बनाने का कार्य आप सबको करना है। यह शिक्षा उन्नयन गोष्ठी एक अच्छा संदेश देगा, एक अच्छा पहचान बनाएगा, शिक्षा मित्र का भविष्य भी उज्ज्वल कराएगा। उस शिक्षा उन्नयन गोष्ठी में गोरखपुर का तो हर शिक्षा मित्र का 100% प्रतिभाग होना ही होना है, क्योंकि जून में विद्यालय खुल रहा है, जून और मई में बालगणना में शिक्षा मित्रों को ड्यूटी लगाई जा रही है, और ड्यूटी का भी प्रश्न मैंने कल किया था कि जून में जब ड्यूटी लगाई जाएगी, जून में हमारा बालगणना किया जाएगा, 16 जून से विद्यालय खुलेगा, तो उसका मानदेय भी प्रासंगिक भी मुझे चाहिए, इसका भी संदेश देना है। शिक्षा मित्र भाइयों मानो, अब ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपने जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्री गदाधर दुबे जी, मंडलिक मंत्री श्री संजय यादव जी और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं गोरखपुर जनपद के, चाहे नगर के हों चाहे महानगर के हों, वो सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, ये ताकत एक हुनर आपकी पहचान बनेगी, इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए होगा, वो देना है हमको, और कैसे व्यवस्था करनी है, यह ताकत और हुनर इसका पहचान आपको बनाना है, व्यवस्था आपको करनी है। इसी के साथ मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए शिक्षा मित्र जाबाज भाइयों मानों से कहना चाहता हूं, यह ताकत है पहचान आपकी भविष्य और जिंदगी की संवारने की काम करेगी। इसी के साथ वाणी का विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।